चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये मिक्सर ग्राइंडर है, इसको मैंने खोल लिया है। इसमें 8 तार हैं, आपको कनेक्शन बताऊंगा किस प्रकार करते हैं। ये मिक्सर ग्राइंडर की मोटर ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और मैं इसको साइड में कर देता हूं। इसमें ये 8 तार लगी हुई है। अब इनका कनेक्शन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ जो आपको अच्छे से दिखाई दे। इसमें 8 तार होती हैं कुल, आप देखोगे तो 2 तार तो आपको इस साइड में नज़र आ रही होंगी और 2 तार इस तार में। इसमें टोटल 2 कॉइल होती है, दोनों कॉइलों के ये 4 तार निकले हुए हैं। इसी प्रकार इधर भी 2 तार इधर हैं और 2 तार ये इधर है, ये 4 तार 2 कॉइल इधर है। अब इसको कनेक्शन कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन 4 तारों में आपको क्या क्या करना है, 4 तारों में क्या करना है, 2 कॉइल होती है, इसका मैं सर्किट डायग्राम भी बताऊंगा आपको। तो आपको इसमें चेक करना है, एक इसमें ज्यादा टर्न वाली कॉइल होती है, एक कम टर्न वाली कॉइल होती है। आपको इसमें यह चेक करना है भी इसमें रेजिस्टेंस कौन से में ज्यादा है, कौन से में कम है। आपको इसको सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हो और मल्टीमीटर से भी कर सकते हो। मल्टीमीटर से करना अच्छा है क्योंकि आपको रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा भी रेजिस्टेंस इसमें कितनी कितनी है। एक साइड में मैंने आपको बताया भी ये 2 तार है, आप इन दोनों तारों में अगर मैं कंटिन्यूटी दिखाऊं तो दोनों तारों में कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसमें 2 तार तो इधर से आ रही है, ये दोनों कॉइलों के एक एक तार है और ये 2-2 तार है, ये दोनों कॉइलों के एक एक तार है। इसमें आपको किसी एक तार पे मल्टीमीटर का एक प्रोब रख लेना है और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में कर लेना है। कंटिन्यूटी मोड में करने के बाद आपको बारी बारी से इन तारों पे लगाना है, आगे इन पे रेजिस्टेंस चेक करनी है, रेजिस्टेंस कितनी है। इस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं बता रहा, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा। दूसरी तार पे मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे ये मल्टीमीटर 14 ओम बता रहा है, 14-15 ओम बता रहा है, ये नोट कर लेना है। अब जो दूसरी तार बच गई उस पे आपको मल्टीमीटर लगाना है और दूसरी तार की फिर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, साथ में रेजिस्टेंस भी चेक करनी है। इसमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है ये 1 ओम की, तो ये आपको देख लेना है। ऐसे यूँ निशान लगा लेने हैं आपको, जैसे कोई टेप लगा के या कोई और चीज़ लगा के ऐसे निशान लगा लेने हैं इन तारों पे। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका क्या करना है, एक पॉइंट तो कार्बन ब्रश, ये जो कार्बन ब्रश है, एक कार्बन ब्रश इधर होता है, एक इधर कार्बन ब्रश होता है। इस कार्बन ब्रश में आपको यहाँ पे ये हाई रेजिस्टेंस वाली एक तार लगा देनी है और जो इसकी हाई रेजिस्टेंस की दूसरी तार है, ये जो दूसरी तार इधर बच गई, आपने मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करी थी, जो अपने 2-पिन प्लग होता है, ये 2-पिन प्लग है, इस 2-पिन प्लग के जो 2 तार हैं इसमें से किसी एक तार को, इसको कॉमन बनाना है अपने को, इसमें से कोई एक तार आप लगा सकते हो। मैं इसको कॉमन बना देता हूँ, ये कॉमन को मैं यहाँ टच कर देता हूँ, इस तार के साथ मैंने इसको टच कर दिया, ये अपना कॉमन बन गया। एक तार तो कार्बन ब्रश के साथ लग गई इसकी हाई रेजिस्टेंस की, दूसरी अपने कॉमन बना लिए, कॉमन इसमें 2-पिन प्लग में लगा लिए और अब इसकी 2 तार बच गई है। अब इसी साइड में 2 कॉइल और है और दोनों कॉइलों की 4 तार निकली है। इसमें भी आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है भी हाई रेजिस्टेंस किस में, हाई रेजिस्टेंस जिसमें है उसका एक सिरा अपने को कार्बन ब्रश में लगा लेना है, जैसे मैं यहाँ कार्बन ब्रश में लगा रहा हूँ, ये कार्बन ब्रश में लगा लेना है और उसका दूसरा सिरा, ये जो दूसरा सिरा है ये हाई रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है, ये इस साइड की जो दोनों तार बची थी ये वाली, इसके अंदर आपको इसको ज्वाइंट कर देना है। मैं इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। अब ये क्या है, लो रेजिस्टेंस वाली एक तार इधर बच गई है और इधर से आपको यूँ क्रॉस लेना है, उल्टा क्रॉस में लो रेजिस्टेंस की एक तार ये बच गई, तो ये तार क्या करना है आपको इसके साथ में ज्वाइंट कर देनी है।
अब मैं ये तार ज्वाइंट कर देता हूं। ये जो पॉइंट बना है ये आपका मिडिल स्पीड का लिए होता है, और जो आपने पहले यहां ज्वाइंट किए दो ये हाई स्पीड का आ गया, और जो लास्ट इधर एक लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल बची है ये लो वाला है। मैं अब आपको इसको सीरीज बोर्ड से चला के दिखाता हूँ। मैं इसमें एक टेप लगा लेता हूँ तो आपको दिखाई दे जाएगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा। अब मैं यहाँ पे एक टेप लगा देता हूँ, आपको दिख जाएगा। अब मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। अब मैंने टू पिन प्लग का एक पॉइंट तो इसके साथ जोड़ दिया है, अब दूसरा मैं क्या कह स्विच के अंदर लगाता हूँ। और स्विच के अंदर लगाने के बाद इसमें अब अपने ये लो स्पीड के लिए लीड निकाली थी, अब मैं लो स्पीड पे जैसे ही तार लगाऊंगा ये देखो लो चलने लगी। ये इधर वाली मीडियम स्पीड है, मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा दिखाई दे आपको, ये मीडियम स्पीड है। इस मीडियम स्पीड पे करता हूँ तभी आपको ये देखो चलती हुई दिखाई देगी, मैं हाई स्पीड पे करता हूँ तो भी आपको ये चलती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार इसके कनेक्शन किए जाते हैं। अब मैं आपको सर्किट डायग्राम से समझा देता हूं कि इसको कैसे करना है। इसको मैं साइड में कर देता हूं। अगर आपको लाइट का नॉलेज नहीं है तो ये काम मत करना, क्योंकि इसमें झटका लग सकता है आपको। अब नजदीक और कर देता हूं, आपको सर्किट डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने सर्किट बनाया हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूं आपको। ये जो मोटर का है ये कम्युनिकेटर है, ये जो दिख रहा है आपको ये मैंने दिखाया है, और इसमें दोनों ये ब्रश हैं ये दिखाई हैं। अब ये दोनों ब्रश दिखाई हैं, इसमें एक ये हाई रेजिस्टेंस की कॉइल है, एक लो रेजिस्टेंस की कॉइल है। इसमें ज्यादा टर्न होते हैं इसमें कम टर्न होते हैं, तो इसका एक सिरा आपको क्या करना है, एक ब्रश से यूं हाई रेजिस्टेंस जिसकी है उसका एक सिरा आपको इस कार्बन ब्रश से अटैच कर देना है, दूसरा सिरा है वो आपको कॉमन कर लेना है, और इसको निकाल के जो अपना टू पिन प्लग है उसके अंदर मैं लगा देता हूं। ये टू पिन प्लग के अंदर मैंने ये लगा दिया, ये कॉमन है, इसको कॉमन। अब इसमें हाई रेजिस्टेंस वाली दूसरी साइड में जो कॉइल है उसका एक सिरा आपको इस कार्बन ब्रश के साथ लगा देना है ऐसे, और जो दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा ये लो रेजिस्टेंस, इनको यहां पे कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपने को एक साइड में रखनी है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये क्या करना है, इसके नीचे वाले मीडियम जो अपने लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल है उसके साथ में कनेक्ट करना है, तो मैं इसको यहां पे ले जाता हूं और नीचे से कनेक्ट करना है इस साइड से, ये दोनों यहां कनेक्ट हो जाएंगी। ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट आपका आगे जाके आपको हाई स्पीड के लिए होगा ये। और दूसरा और बता देता हूं, इसमें जो ये दूसरा पॉइंट है यहां पे, इसके बाकी पॉइंट आगे, इसका एक पॉइंट ये बच गया, ये पॉइंट क्या करना है आपको तिरछा कनेक्ट करना है इसके साथ में, इसके साथ में ये जो लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल है ये भी लो रेजिस्टेंस, इनको आप श्री में ऐसे कनेक्ट करना है, ये ऐसे कनेक्ट कर देना है ये तार दोनों आप श्री में। और इसका जो एक पॉइंट बच गया, एक पॉइंट जो बच गया वो आपको यहां से खींच के ले आना है, ये लो स्पीड के लिए होता है। अब मैं दिखा देता हूं आपको, ये लो स्पीड के लिए होता है, और जो ये पॉइंट है जो आपने यहां कनेक्ट किया है ये मीडियम स्पीड के लिए होता है। मैं इसको भी बाहर निकाल देता हूं, इसको मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं और इसको लिख देता हूं ये मीडियम स्पीड के लिए होता है। और एक तार ये जो अपने अभी यहां से निकाला है ये आके यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, ये तार यहां लो स्पीड के लिए, मैं लिख देता हूं ये लो स्पीड के लिए होता है।
एक ये रोटरी स्विच होता है, रोटरी स्विच में आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। ये रोटरी स्विच होता है, इसमें चार पॉइंट होते हैं। ये जो चार पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं, एक पे देखोगे तो यहाँ पे पी या एल लिखा होगा, इस पे यहाँ पे पी लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे यहाँ पी लिखा हुआ है, और इन पे नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3, तीन नंबर ऐसे लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जो ये हाई स्पीड वाली है, हाई स्पीड वाली जो है इसको यहाँ से ले आके तीन नंबर में कनेक्ट कर देना है, जो मीडियम वाली है उसको दो नंबर में कनेक्ट कर देना है, और जो लो वाली है उसको एक नंबर में कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे ये जो एक पॉइंट जहाँ पी लिखा हुआ मैंने बताया था, इससे ये तार निकाल के ये अपने टू पिन स्विच के अंदर यहाँ लग जाएगी। इस प्रकार इसके कनेक्शन होते हैं। ये स्पीड, ये थ्री स्पीड मोटर है, इस थ्री स्पीड मोटर के अंदर आपको जो स्पीड मिलती है वो इसके अंदर ही मिलती है। अब इसका मैं थोड़ा तरीका और बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से अगर करंट चलेगा, इस टू पिन प्लग से करंट चलेगा, तो यहाँ इस हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल में, इस कॉइल से ऐसे जाएगा और इस कार्बन ब्रश में आएगा। कार्बन ब्रश से ये करंट घूम के वापस इस कार्बन ब्रश में आएगा, और इस कार्बन ब्रश से इस रेजिस्टेंस में जाएगा। इसमें करंट की डायरेक्शन यहाँ ऊपर की तरफ थी, और यहाँ भी करंट की डायरेक्शन ऊपर है क्योंकि इसकी अपोजिट हो गई है। और ये करंट चल के यहाँ आ जाता है। अगर ये स्विच चालू है तो ये करंट यहीं रहेगा, अगर ये स्विच नहीं चालू है तो फिर ये करंट चल के यहाँ से इस कॉइल के अंदर आएगा। इस कॉइल में अब करंट यूं जाएगा तो इसमें भी डायरेक्शन यही रहेगी ऊपर की तरफ ही। करंट की डायरेक्शन इसमें दोनों में सेम है, दोनों में सेम ही रखनी है, क्योंकि इसमें एन और एस, मान लो इधर एन बनता है इधर एस बनता है, तो ये दो चुंबक बनेंगे इसमें, एन और एस। और अगर ये पॉइंट भी अगर यहां से ऑफ है तो ये करंट यहां से चलेगा ऐसे, इस कॉइल में आ जाएगा। इस कॉइल में भी अब करंट जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें पहली वाली कॉइल में ऊपर जा रहा था, इस कॉइल में ऊपर जा रहा है। और ये इस प्रकार, यानी करंट की डायरेक्शन दोनों में एक साइड होनी चाहिए, इसमें भी एक साइड है। इस करंट की, ये करंट की, ये दोनों अपोजिट है, क्यों, ये ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे चल रहा है, यानी उल्टी डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों उल्टी डायरेक्शन में है, तो एक पे एन बनेगा एक पे एस बनेगा। मैन इसका आपको मैं समझा देता हूँ किस प्रकार होता है। जैसे एक ये हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये हाई रेजिस्टेंस वाली मैंने कॉइल बना दी, इसके आगे मैं कार्बन ब्रश लगा के ये कम्यूटेटर लगा दिया, कम्यूटेटर के साइड दूसरी साइड में एक कार्बन ब्रश और लगाया, इसके आगे फिर ये दूसरी रेजिस्टेंस आ गई, तो ये दूसरी रेजिस्टेंस में फिर बना देता हूँ, ये कॉइल बना देता हूँ, ये दोनों कॉइल आ गई। फिर इसके आगे यहाँ जो ये पॉइंट है, ये हाई के लिए होता है, हाई स्पीड के लिए। फिर इसके आगे ये कॉइल इसके साथ में जुड़ जाती है, ये वाली कॉइल जुड़ जाती है, तो इससे ये कॉइल मैं आगे और बना देता हूँ। तो ये जो पॉइंट आया है ये मीडियम स्पीड के लिए होता है, और ये यहाँ से चल के करंट इस कॉइल से होके इस कॉइल में जाएगा, तो इस कॉइल में यहाँ से जो मिलेगा वो लो हो जाएगा। ये मैं चौथी कॉइल और बना देता हूँ, ये लो। इस प्रकार इसका ये सीरीज में कनेक्शन होते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे, ये पॉइंट एसी से में जुड़ता है, दूसरा ये इसमें, इस पॉइंट पे लगाओ चाहे इस पॉइंट पे लगाओ चाहे इस पॉइंट पे लगाओ, जहाँ भी आप करंट लगाओगे वहाँ भी आपको स्पीड मिलेगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।